इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, पीएम मोदी की सुरक्षा में लापरवाही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजयवाड़ा में ब्लैक बलून उड़ाए। पीएम के हेलीकॉप्टर की उड़ान के बाद उड़ाए काले गुब्बारे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गो बैक मोदी के नारे लगाए। कांग्रेस का पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप। ये बहुत बड़ी चूक है। आशीष मेरे सहयोगी और इसके बारे में बता सकते हैं। आशीष, ये ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल है निशांत। ब्लैक बलून्स को हेलीकॉप्टर के नजदीक उड़ाने का मतलब है कि उस हेलीकॉप्टर और जो हेलीकॉप्टर कॉन्वॉय होता है उसे पूरी तरह से खतरे में डालने का। एक भी अगर बलून का गुच्छा MH-17V5 हेलीकॉप्टर में जाके अगर टकराया तो उस हेलीकॉप्टर को जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये ग्राउंड लेवल पर भी एक ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल और ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, वो इसलिए क्योंकि इस तरह के बलून के गुच्छे जहां पर भी पीएम का हेलीपैड होता है SPG के सिक्योरिटी कॉर्डन के आसपास में वो अलाउ नहीं किए जाते। और हमारे साथ में इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमोद राय जुड़ गए हैं। अमोद, ये तो बड़ा ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो गया है, क्या किसी तरह से पीएमओ से या फिर BJP से इस पर रिएक्शन आया है? ऑन ग्राउंड किसी तरह का एक्शन लिया गया है क्या? देखिए आशीष, आइडेंटिफिकेशन चल रहा है कि कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे इस कृत्य में। और निश्चित तौर पर जो आप बता रहे थे कि काला बलून अगर फंस जाए हेलीकॉप्टर में तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, शायद इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस तरह से कांग्रेस के बताया जा रहा है कि कुछ उसमें कार्यकर्ता थे जिन्होंने पीएम मोदी का विरोध करने के तौर पर ये बलून उड़ाया था। मैं आपको बताऊं कि तेलंगाना में कल जब प्रधानमंत्री जाने वाले थे, जिस होटल में BJP कार्यकारिणी चल रही थी वहां से एयरपोर्ट के पास उनका कार्यक्रम था, वहां भी बीच में कांग्रेस और TRS के लोगों का प्रोटेस्ट होना था और कई तरह के हथकंडे अपनाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले पता चल गया, IB ने अलर्ट डाला, उसके बाद वो किसी तरह से रोका गया। तो ये एक तरह से जो राजनीतिक प्रोटेस्ट है उसी का एक नतीजा है, लेकिन इससे बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता था। इसमें सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्ना है और SPG को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट भी दर्ज कराई हुई है और वहां का जो लोकल प्रशासन है वहां पे निश्चित तौर पर इसकी जांच कर रहा है। और थोड़ी देर पहले वहां के लोकल प्रशासन से इस बाबत क्लेरिफिकेशन भी आया है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमोद जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।